उधर हिमाचल की बात करें तो कल शाम हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बादल फटने से नदी लानों में बाढ़ आ गई। पहाड़ से पानी की शक्ल में जो आफत आई उसने जगह जगह सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया। कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तबाही का तांडव है, कुदरत के कहर का सबसे रौद्र रूप, आसमानी आफत का सबसे भयानक चेहरा है। ये क्या है, कैसे आया, कहां की तस्वीर है, कितना नुकसान हुआ सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिर पहाड़ पर पानी और पत्थर के प्रहार को देख लीजिए। चला गया। बादल फटने से आई तबाही, नालों में दहाड़ मारता पानी, चला गया। ये तस्वीर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल की है। मंगलवार को आसमान में बादल फटा तो पहाड़ पानी पानी हो गया। सैलाब की शक्ल में यह पानी पत्थरों को अपने साथ बहाता नीचे उतरने लगा। रास्ते में जो कुछ आया सब सैलाब के साथ बहने लगा। अपने मोबाइल में इस तस्वीर को कैद करने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस भयानक तस्वीर को देखकर लोगों की चीखें निकल गई। बादल फटने से कई नालों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। करीब आधा घंटा तक पानी का यह तांडव चलता रहा। इस दौरान कई जगहों पर सड़कें और पुल टूट गए। जाहलामा पुल बहने से उदयपुर का केलांग से संपर्क कट गया। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ से चट्टानों के गिरने का सिलसिला जारी है। नूरपुर में सड़क पर पत्थर गिरने से कार पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। ये देखिए कार की हालत कैसी हो गई। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया। किन्नौर के छितकुल में सड़क पर पहाड़ से मलबा आ जाने के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया। 90 से ज्यादा पर्यटक फंस गए जिन्हें मंगलवार शाम तक निकाल लिया गया। सड़कों पर यातायात बहाल कर दी गई लेकिन खतरा अभी भी बना। ओके थैंक यू। बाकी रोड जो है नॉर्मल ट्रैफिक के लिए अभी बंद रखा हुआ है जब तक कि हमें सर्टिफिकेट ना मिल जाए, सर्टिफाई ना करे पीडब्ल्यूडी की, अभी और कोई रिस्क नहीं है। साथ में हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज रात को पहुंच रही है, कल से वो उस माउंटेन का जो है सर्वे करेंगे कि ये जो लैंडस्लाइड हुई है क्यों हुई है, आगे क्या हमें करना चाहिए। बाढ़ और बारिश की वजह से पहाड़ से मैदान तक तबाही जारी। कहीं पत्थर कहीं पानी, हर पल खौफ और डर के साये में लोग जी रहे हैं। मानसून की मार से बचने के लिए जितना हो घर में रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें। मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और राजस्थान के सीकर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। गलियों में नदियां बहने लगी और सड़कों पर समंदर जैसे हालात बन गए। सड़कों पर समंदर जैसे हालात, पानी का रौद्र रूप, सीकर में समंदर, सड़कों पर सैलाब। रेगिस्तानी राज्य में मॉनसून मेहरबान हुआ तो सड़कें लबालब भर गई, गली कस्बों में बाढ़ आ गई, बाजार की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। सीकर के खंडिला कस्बे की सड़कों पर पानी दहाड़ मारने लगा। गलियों में पानी का ऐसा रौद्र रूप आपने नहीं देखा होगा। देखिए पानी कैसे उफान पर है। करंट इतना तेज कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। प्रचंड वेग से बहती ये लहरें महज कुछ घंटों की बारिश का नतीजा है।
सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी बहने लगा। इस पानी में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल बह गई। ये देखिए कैसे ये गाड़ी सैलाब में आगे बढ़ रही है। भले ही ड्राइवर ने जान पर खेलकर आगे बढ़ने की ठानी हो, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। सावन में रेगिस्तान की रेतीली जमीन तरबतर ही नहीं हुई, पूरी तरह से डूब गई। सिकर में बाढ़ की शक्ल ले चुके इस पानी में खेल रहे 4-5 बच्चों में से एक बच्चा बहने लगा। गनीमत ये रही कि कुछ दूरी तक पानी के साथ बहने के बाद दुकानदारों ने बच्चे को बचा लिया। कमोबेश यही हाल जिले के फतेहपुर का भी था। यहाँ पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। हर जगह जल भराव की वजह से मुसीबतें बढ़ गई। मकान और दुकान सब जगह पानी घुस गया। मकानों का बेसमेंट पूरी तरह जलमग्न हो गया। सरकारी कार्यालयों से लेकर धार्मिक स्थलों तक सब जगह पानी का पहरा है। भैया 3 दिन में पानी निकल नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि हम समुन्द्र के किनारे बैठे हैं या कोई झील के किनारे बैठे हैं। मेरी प्रशासन से यही निवेदन है कि पानी हर शहरों में भरता है, परंतु उसका निकास होना चाहिए। वैसे तो इन दिनों हर जगह पानी का प्रकोप है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में आई बाढ़ के बाद अब राजस्थान के सीकर में जो हालात हैं, इससे उन इलाकों के लोग चिंतित होने लगे हैं जहां मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान है और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान के सीकर से राजेश की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।